Hey guys, in last session we have seen the column base, in which we have seen the slab base. तो कॉलम बेस क्या होता है? जब भी मेरे को जो भी कंप्रेशन मेंबर है उसको कंक्रीट फाउंडेशन से आरसीसी फाउंडेशन से कनेक्ट करना है तो वी रिक्वायर्ड सम कनेक्शन. सो देर आर टू वेज ऑफ कनेक्टिंग कंप्रेशन मेंबर टू द बेस, डेट इज दोज आर स्लैब बेस एंड गसेट बेस. सो वी हैव सीन अबाउट द स्लैब बेस डेट इफ देर इज अ लेसर लोड और द लोड कैरिंग बाई कॉलम इज मच लेस देन वी यूज स्लैब बेस. नाउ वी विल सी गसेट बेस. सो वेन द कॉलम कैरी हैवी लोड then we use gusset base. Okay, so we will say gusset base. So when column carrying heavy loads gusset base are used. Okay, now in gusset base the column is connected to the base plate through gussets. ठीक है, कॉलम जो बेस प्लेट से कनेक्ट होता है वो थ्रू गसेट्स होता है. एंड द लोड इज ट्रांसफर्ड टू द base partly through bearing and partly through gusset. ठीक है, जो लोड है वो कुछ बेयरिंग से पास होता है और कुछ गसेट से पास होता है. ओके, नाउ लेट्स से दिस इज अ कंक्रीट ब्लॉक. This is our column carrying compressive load. Okay, so this is our column. Now it is connected in this way. We see it is like that. This is our column. This is axis of the column.
So this way we use gusset plate. So now अब है कि गसेट प्लेट को डिज़ाइन करने के लिए भी मेरे कुछ प्रोसीजर है, कुछ कोड है, ठीक है, कुछ हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 ये स्पेसिफाई किया गया है कि गसेट प्लेट, क्लीट एंगल और एंड स्टिफनर्स एंड फास्टनिंग हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉर बियरिंग एरिया, ठीक है, जो कि सफिशियंट लोड ले, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट और रिएक्शन को ट्रांसफ़र करे टू द बेस प्लेट, ओके। सो फॉर दिस डिज़ाइन ऑफ गस्टेड बेस IS 800/2007 स्पेसिफाइज डेट द गसेट प्लेट क्लिट एंगल स्टिफनर्स एंड फास्टनिंग्स ETC इन कॉम्बिनेशन विद बियरिंग एरिया शैल बी सफिशियंट टू टेक लोड बेंडिंग मोमेंट एंड रिएक्शन टू द बेस प्लेट, ओके, विदाउट एक्सीडिंग स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये जो बेयरिंग फास्टनर और स्टिफनर्स है वो लोड बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन को कैरी करे विदाउट एक्सीडिंग स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ, और फॉर दिस पर्पस वी यूज मशीन। ये मशीन होना चाहिए ताकि ये जो कॉन्टेक्ट हो वो परफेक्ट हो, ओके। सो देयर सम स्टेप्स टू अचीव दिस डिजाइन, सो दीज आर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ बेस प्लेट। तो एरिया क्या होगा, डेट इज फैक्टर्ड लोड PU बाय स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डेट इज 0.45 FCK, ओके, फैक्टर्ड लोड बाय बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 0.45 FCK। नाउ सेकंड स्टेप, अब क्या है कि एरिया निकालने के बाद हम लोग एज्यूम करेंगे वेरियस मेंबर ऑफ गसेट बेस। सो एज्यूम वेरियस मेंबर ऑफ गसेट बेस, ठीक है। तो जैसे थिकनेस ऑफ गसेट बेस इज एज्यूम्ड एज 16 mm, सो एज्यूम थिकनेस इक्वल टू 16 mm, ठीक है। एंड साइज ऑफ द गसेट एंगल, साइज ऑफ द गसेट एंगल इज एज्यूम्ड such that its vertical leg can
accommodate 2 bolts in one vertical line. ठीक है, साइज हम लोग कैसे रखेंगे? ठीक है, जैसे साइज ऐसे रखना है कि जो 2 बोल्ट है ये एक वर्टिकल लाइन में एडजस्ट हो जाए. ओके, करस्पॉन्डिंग टू दिस लेग इज करस्पॉन्डिंग टू दिस लेग अदर वन अदर लेग इज एज्यूम्ड इन विच द वन बोल्ट कैन बी प्रोवाइडेड. ठीक है, मतलब कि इस लेग में 2 हम लोग बोल्ट एडजस्ट कर सके एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस दूसरे लेग में कम से कम 1 बोल्ट दिया जा सके. ठीक है, तो हम लोग ऐसा साइज चूज कर लेंगे. ठीक है, नाउ दिस इज फॉर थिकनेस एंड साइज. नाउ थिकनेस ऑफ एंगल, दिस एंगल इज कैप्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट. अब इस एंगल का थिकनेस, ठीक है, हम लोग गसेट प्लेट के थिकनेस के इक्वल रखेंगे. नो, ये था वेरियस एजम्पशन. ठीक है, नो, 1 2 थर्ड वन. अब इसके बाद क्या करेंगे? तो विड्थ ऑफ थिकनेस बेस इज केप्ट सच दैट इट विल जस्ट प्रोजेक्ट आउटसाइड द गसेट एंगल. So, width of gusset plate is kept in such that it will जस्ट प्रोजेक्ट आउटसाइड द गसेट एंगल एंड हेंस लेंथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेट बाय विद. तो जो गसेट प्लेट है उसका विद हम लोग वैसा रखना है कि इसका जो प्रोजेक्शन हो, मतलब इफ दिस इज प्लेट और ये प्रोजेक्शन हो, ये बहुत ज़्यादा ना हो, तो इस केस में लेंथ कैसा हो जाएगा? तो लेंथ विल बी एरिया ऑफ प्लेट बाय विद. नाउ फोर्थ वन, when the end of the column is machined for complete bearing on base plate, 50% of the load is assumed to be transferred by bearing and 50% by fastening. End जो होगा मेरा वो machined finished होगा. ठीक है, तो इस केस में जो मेरा 50% ऑफ लोड है इसको हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है वो बियरिंग से हो रहा है एंड द रेस्ट ऑफ 50% ऑफ लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू फास्टनिंग्स. ओके, इस केस में एंड मशीन के केस में
अगर व्हेन द एंड ऑफ द कॉलम शाफ्ट और गसेट प्लेट आर नॉट फेस्ड ऑन कंप्लीट बेयरिंग देन द फास्टनिंग कनेक्टिंग देम टू द बेस प्लेट शैल बी डिजाइन टू ट्रांसमिट ऑल द लोड टू विच द बेस इज सब्जेक्टेड। अब क्या है कि इफ द एंड ऑफ द कॉलम शाफ्ट एंड गसेट प्लेट आर नॉट फेस्ड कंप्लीट बेयरिंग, ठीक है, अगर कॉलम शाफ्ट और बेस प्लेट ये कंप्लीट बेयरिंग नहीं कर हो पाता है, तब क्या एज्यूम करेंगे, जो 100% ऑफ लोड है, ठीक है, वो किसके थ्रू फास्ट होगा, किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, तो थ्रू फास्टनिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज द थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट इज कंप्यूटेड बाई फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ एट द क्रिटिकल सेक्शंस। ठीक है, जो थिकनेस ऑफ बेस प्लेट है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कंप्यूटेड बाय फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ एट क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि ये जो मोड ऑफ लोड है, मोड ऑफ फेलियर है, वो कैसा है, बकलिंग है, मतलब होल मेंबर मेरा बकल कर रहा है या फिर लोकल मेंबर मेरा बकल कर रहा है। ठीक है, तो ये सब मेरा मोड्स ऑफ फेलियर होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन कहाँ मिल रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग थिकनेस ऑफ बेस प्लेट निकालेंगे। सो गाइस, डेट्स इट फॉर द डिज़ाइन ऑफ गसेट बेस प्लेट। ओके, सो एज पर योर सिलेबस देर इज नो न्यूमेरिकल फॉर यू, सो इन थ्योरी सेक्शन आई थिंक दिस इज एनफ। सो गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन विद सम अनदर टॉपिक। सो टिल देन बी सेफ, बी इनसाइड, बी एट होम इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।